हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा दंगल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में, वो भी जुलाई 3, 2017 तक का जो कलेक्शंस आया वो आपको बताऊंगा। और चाइना का कलेक्शन जो था 60 डेज का, यानी कि 60वें दिन का, वो था 1239 करोड़। जी हाँ, 1239 करोड़ का कलेक्शन था चाइना का। और फिल्म ने 0.97 करोड़ की कमाई की, यानी कि सिर्फ 1 करोड़ के आसपास कमाई की। चाइना में कलेक्शन धीमा रहा। और बात करें अगर हम उसके अलावा ताइवान कलेक्शंस की, वहां पे 41 करोड़ तक का कलेक्शंस है। और अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो 745 करोड़ का कलेक्शंस है। और कुल मिलाकर जो कलेक्शंस का फिगर्स अभी तक सामने आ रहा है वो है 2027 करोड़। जी हाँ, 2227 करोड़ तक ये फिल्म ने कमा लिया है। आई थिंक 2023 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है। अब देखते हैं कितना आगे तक ये फिल्म कमा सकती है। और मुझे जहां तक लग रहा है एक और दिन बाकी है, यानी कि 1-2 करोड़ और, यानी कि 2023 करोड़ हो चुके हैं, वो 2025-26 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएंगे चाइना में लाइफ टाइम कलेक्शन के हिसाब से। और खबर ये भी सुनने में आ रही है कि शायद और एक्सटेंशन मिल रहा है दंगल को, लेकिन श्योर नहीं खबर। अगर खबर श्योर रहेगी कि और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे इसकी, बॉक्स ऑफिस पर और ज्यादा दिन तक रहेगी दंगल, ऐसा चाइना में खबरें आ रही, देखते हैं। खबरें कंफर्म होगी तो आपको जरूर बताऊंगा, नहीं तो आज वैसे भी लास्ट दिन है, आज जुलाई 4 है। आपको ओवरऑल कैसे इस खबर के बारे में कैसा लगा, जो दंगल कलेक्शन हो गया 2023 करोड़, आप जरूर बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही मुझसे जुड़ने के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर दीजिए। और कोशिश करिए, अगर आप इंडिया के बाहर है तो कंट्री कोड के साथ नंबर दीजिए, ताकि मैं आपको आराम से ऐड कर सकूं। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।